नमस्कार न्यूज रूम लाइव को आपनको स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना। राज्य रे बारंबार नकली शिक्षक कथा सामना को आसुछि एवं प्रथम एक कथा आसीथिला संबलपुर। परवर्ती समय रे आपन जानिछन्ति हाईकोर्ट को निर्देश क्रमे वर्तमान तदंत मध्ये चालिछि। कहि रखिया पई चाहिबी जे हाईकोर्ट को तागिद परे 449 रु ऊर्ध नकली शिक्षक बाबद रे प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय रो खोलताड़ मध्ये आरंभ होईछि। किंतु दुखर कथा जे थरे कि दुई थर नुह चारि चारि थर चिट्ठी लेखा जिबा परे मध्ये अभिजोग आसीथिबा नकली शिक्षकक सर्टिफिकेट जांच करा जाऊ नाही। वर्तमान तमाम अभियोग सामना को आसुछि। झारसुगुड़ा कथा कोंतु, संबलपुर कथा कोंतु, सुंदरगढ़ कथा कोंतु, प्रत्येक क्षेत्र रे देखिबा को मिलुछि राज्य रे माळमाळ नकली शिक्षक। गुरुत्वपूर्ण कथा उछि ए अभियोग सामना को आसीबा परे मध्ये काहे कि सर्टिफिकेट जांच करा जाऊ नाही, काहे कि तदंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ नाही। ए सब खबर को लेके आज ग्राउंड रे हमर रिपोर्टर माने अछन्ते जे आपनको अधिक सूचना देबे। प्रथमे मळय भई संबलपुर रिपोर्टर को पाकु जिबा पई चाहि कौन सूचना रोची? निश्चित पक्ष सूचना देखु संबलपुर जिले में माड़माल शिक्षक थी प्रथम कर खबर पड़ू से जना पड़ा पखापाखि जिले में 44 जन नकली शिक्षक थे जार तथ्य कि जड़े सूचना अधिकार कर्मी आईन बल द्वारा तथ्य सामना को आते और यही तथ्य मध्य जो थाना द्वारस्थ होते यहाँ पर आक्शन नापी से ही समय आ गोटे कथा सामना को आसाला जे एम को किए एत साहस देखा चाकरी किए देखा विरुद्ध में आक्शन नापी कौटी ना कौटी से मन बोलते जो थी कि जिला शिक्षा अधिकारी संपुक्त थे आ पूर्वतन जिला शिक्षा अधिकारी ये घटना पूरापूरी भाव संपुक्त थी जना पड़ा आए समस्त घटना को नहीं पाखापाखि 44 जन नकली शिक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी और पूर्वतन जिला शिक्षा अधिकारी नाँ से वर्तमान समय एसडीएम कोर्ट द्वारा जितने सूचना अधिकार कर्मी तो कौटी ना कौटी जितने एसडीएम कोर्ट वर्तमान समय संबलपुर टाउन थाना को निर्देश देती और टाउन थाना वर्तमान समय एक मामला रुजु कर जिला शिक्षा अधिकारी विरोध में और पाखापाखि 44 जन शिक्षक विरोध में वर्तमान समय टाउन थाना पुलिस वर्तमान समय मामला रुजु कर जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहीं वर्तमान सुधा नीरव अच्छा एत बड़ एक घटना सामना को आसी पूरा राज्य में चर्चा एवं शिक्षा केत मात्र प्रभावित हो आप थे अनुमान करूँ जदि नकली शिक्षक जो मैंने निजे भल भाव पाठ पढ़ी ना भविष्य गढ़े केमती पिला देखो सूचना ये तो बड़ा प्रश्न उठूला जितेबाला जो शिक्षक मैंने नकली थे यहाँ समस्त सर्टिफिकेट नकल डुप्लिकेट थी जना पड़ा जहाँ सूचना अधिकारी आईन कर्मी जनक जहाँ तथ्य सामना करते एम समस्त दस्तावेज सब नकली थी और एभली लोक लोक शिक्षक या स्कूल मान छाड़ते जहाँकि खोलाखोली भाव राज्य संबलपुर जिले में छात्र छात्री जीवन उपर कौटी ना कौटी खेल खेल कथा सामना आसाला तो ये ये घटना जितेबाला वर्तमान समय मामला रुजुच्छी किंतु अन्य कथा देखा जे जिला शिक्षा विभाग पक्ष कौन प्रकार ये नकली शिक्षक विरोध में कौन कार्यानुषान वर्तमान समय निजाएनि आप देखते पूर्व 7 मस गत मसापाखि जुलाई मसरे जिते प्रथम कर मामला रुजुला पूर्वतन शिक्षा अधिकारी और बर्तमान शिक्षा अधिकारी दुई जन ना टाउन थाना अभियोग होता मामला सुरेन्द्र बारिक पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ आम सहित जोड़ी होती। सुरेन्द्र जो भाव जानते पश्चिम ओडिशा रे माळमाळ चित्र सामना को आसुची झारसुगुड़ा कथा कहतु, सुंदरगढ़ कथा कहतु, संबलपुर कथा कहतु, राउरकेला कथा कहतु, ये सब जगार देखा मिलूची जे नकली शिक्षक कथा सामना को आसपा पर जिला शिक्षाधिकारी ब्लॉक शिक्षाधिकारी चुप अच्छा नीरव अच्छा सहित सर्टिफिकेट जांच करना शिक्षा व्यवस्था प्रति ये केत बड़ा विपद बोली कह जाए। देखो सुतुल लग्ना राज्य में वर्तमान दुईटी चित्र देखा मिलूँ गोटे पटे हजार हजार सी टी बी डी पिला माने बेकार होकर से राज रास्तार आंदोलन करपटे राज्य में पूरा पुला पुला नकली शिक्षक भर्ती होती 2016 मसीह शिक्षा विभाग तरफ गोटे चिठी कर समस्त डीओ मानक डीपीसी मानक बीओ मानक सर्टिफिकेट जांच कर तार एक्शन नापी कि शेषे हाइकोर्टे एक जनस्वार्थ मामला रुजुवाप हाईकोर्ट तागिद करने वर्तमान शिक्षा विभाग निद भांगी आम जदि कहीपर जो अगस्ट गत अगस्ट 29 तारीख जो चिठी देखते प्राथमिक शिक्षा निर्देश तरफ राज्य में वर्तमान 439 जन नकली शिक्षक को चिन्हट कर संख्या तो हजार हजार हो पारे किंतु सबुत बड़ कथा है 2016 मसीह शिक्षा विभाग तरफ सर्टिफिकेट जांच करने कहुई किंतु आम ग्राउंड में देखु जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस कथा कहतु कि डीपीसी ऑफिस कथा कहतु कि बीओ ऑफिस कथा कहतु से
जांच होनी तो निश्चित भाव थे नुह पांच छह थर चिठी लिखला ग्राउंड से कार्यकारिता होनी संभव है दीर्घ दिन धरी एम शिक्षकता करथापि धरा पड़ू ना को आम जब कह किए ना किए सुरक्षा दौर घंट घोड़ निश्चित भाव आम कही पार्बा जेहेतु जिते बेले जड़े चाकरी करुच्ची तार गोटे प्रोसेस रोचे तार सर्टिफिकेट जांच करने कथा तो वर्ष वर्ष धरी किभली नकली शिक्षक चाकरी कर सबुठ बड़ कथा है वर्षक पाखापाखि जो हाइकोर्ट में पीआई होता हाइकोर्ट मानवर हाइकोर्ट गोटे एमिकस क्वेरी हेल्ले निजुक्ति करते जो अभियोगकारी संजय महाराणा गोटे अभियोग है जे राज्य में पाखापाखि शिक्षा विभाग जो नकली शिक्षक मैंने चाकरी कर वार्षिक 200 कोटी टंका राज्य सरकार चून लगुच तो ये गोटे बड़ प्रश्न हो राज्य सरकार को ऊपर शिक्षा विभाग ऊपर हेले गोटे प्रश्न उठू कहीं वर्ष वर्ष धरिकी जाल शिक्षक चाकरी करुद्ध में कहीं एक्शन नि अंपटे आम देखा राज्य में हजार हजार बेकारी सीटी सीटी छात्र कथा कहतु कि बीडी जो मैंने योग्य अधिकार जो मैंने अच्छा से बर्तमान राज्य रास्त आंदोलन हेल्ले भुवनेश्वर हेल्ले प्रत्येक वर्ष से आंदोलन करते चाकरी मिलूनी कि अंपटे राज्य पूरा कोण अनुकोण में बर्तमान नकली शिक्षक भर्ती हो रही निश्चय ये योग्य अयोग्य खेल आते दिन चलो आम जब कह प्रति क्षेत्र में आप आवास दुर्नीति आरंभ कर शिक्षकता कथा कहतु जो मैंने योग्य से आज पर्यटन चाकरी पाईना से राजरास्त आंदोलन करफिकेसन अच्छी कितु से हाथ में चाकरी ना अपरपक्ष जो मैंने भल भाव निजे पाठ पढ़ी ना से नकली सर्टिफिकेट देखा दीर्घ दिन धरी शिक्षकता करदी यहाँ प्रोत्साहन परोक्ष दि जाएना तेज आज गंडा गंडा चित्र कहीं सामना को आसुची निश्चित भाव आम गोटे कथ सब बड़ कथा है जे शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय जो चिठी होता है 2016 मसीह गोटे बारे स्पष्ट भाव कहला तार सर्टिफिकेट जांच कलापर जो मैंने भी नकली शिक्षक ड्रेस हे विरुद्ध में एफआईआर रुजु करने निर्देश दिया था और जो से चाकरी कार्य जो दरमा नहीं तार पैसा रिकवरी करने कहला आम अनेक जिले में देखु जो मैंने धरा पड़ते हैं सो मोटो चाकरी रिजाइन देते कितु जो कार्यानुषान ना कथ एफआईआर रुजु होगा कथ जो सरकारी तहबिल जो कोटी कोटी टंका से दरमा बाबत नहीं आदाय हे कथा से कार्यानुषान हो तो जदि आम संबलपुर जिले में जब चित्र कह जे आरटीए एक्टिविस्ट से प्रथम से इनफर्मेसन पाइला प्रथम थाना से मामला रुजु करते थाना मामला रुजु ना बाध्य से कोर्टर द्वारस्थ होते हैं कोर्टर हस्तक्षेप पर शेष टाउन थाना मामला रुजु होता सबुत बड़ कथा संबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ना मामला रुजु बर्तमान तदन चली केवल संबलपुर नुह समग्र राज्यर कथा जो देखा आप गंजाम कथा कहतु बलांगीर कथा कहतु शह शह नकली शिक्षक भर्ती होती किंतु शिक्षा विभाग बर्तमान किसी एक्शन नौनी तो सबुठ बड़ कथा है कहीं शिक्षा विभाग यहपर कार्यानुषान से नहीं विभिन्न वर्ग में बर्तमान सरकार को टार्गेट कर राउरकेलू अमेय परिडा बर्तमान समय आम प्रतिनिधि जोड़ी होती अमेय कि भाव में देखती राउरकेल स्थित को नकली शिक्षक को ठाब कर कि सर्टिफिकेट जांच कर कि ना से घटना को घंट घोड़ाइबा चेष्टा कर देखो स्मृति लग्न जो इश्यूर आम कथा होती नकली शिक्षक जो फेक सर्टिफिकेट दे जो शिक्षक चाकरी कर इश्यू दीर्घ वर्ष है चली आसी आज नुहे तेज यदि आम राज्य कथा कह राज्य में जी गंजाम सबुठ आगे अच्छी नकली शिक्षक यदि आम वेस्टर्न ओडिशा कथा कह ए बलांगीर सबुठ आगे अच्छी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट इतने नकली शिक्षक मालवाल नुहे आ सुंदरगढ़ जिले में मध्य स्थिति कौन कम नुहे संख्या सुंदरगढ़ जिले में बहुत अच्छी नकली शिक्षक तेज चारि चार थर हाईकोर्ट निर्देश देलापर 2020 देखिबा आम देखिबा 2020 रु हाइकोर्ट चारि चारि थर निर्देश देछि नकली शिक्षक जांच करा जाउ सर्टिफिकेट जांच करा हो किंतु एपर्यंत राज्य सरकार को निद भांगी ना जदि आम कह मात्र तीन दिन में 27, 28, 29 जो तीन दिन धरी जांच चलता जिले में जो जिला स्तर जांच चली नकली सर्टिफिकेट शिक्षक मान डका मात्र तीन दिन में जांच सरी तेज चार वर्ष जाए जो हाइकोर्ट निर्देश देला पर्यंत जो काम हो नाला तीन दिन में जांच सारीद एक प्रकार प्रश्न सृष्टि सीधा सल आम आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी अरविंद दास तेज देखते सर ए जो आप देखिए जो नकली शिक्षक ये आज इश्यू नुहे दीर्घ वर्ष धरी चली आसी तेज इश्यू एपर्यंत राज्य सरकार जो निद भांगी सर्टिफिकेट जांच सरनी कोटि कोटि टंका राजस्व हरा राज्य सरकार डेफिनेटली प्राय 450 शिक्षक उपर ये अभियोग आसी नकली शिक्षक अच्छा 2015 अभियोग चली आसुच्छी
ଏବଂ ସର୍ବୁଡ଼ୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ 2015 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତା ନ ନେବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ PIL ଫାଇଲ୍ ହେଲା। PIL ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଆର ଅନେକ ଦିଗ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଏସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରବ ବସିବାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ସେ 450 ପାଖାପାଖି ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଦରମା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତ କୋଟି କୋଟିରେ ଯାଇଛି। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ପଇସା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ କିଛି ମାନେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଖେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବେ ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ମଣିଷ ହେବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୃତୀୟ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ଯଦି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ 450 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଯୋଗ ହରାଇ ବସିଲେଣି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଟାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ 2015-16 ମସିହାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଜୁକେସନର ବାରମ୍ବାର DO ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଛାଟ ମାରିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କର ବୋଲି ତରବରିଆ ଭାବରେ 27, 28, 29 କରି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ ପାଇଁ କରାହେଇଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କେବେ ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଉଠୁ ମୂଳ ଦୁଆ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୋର୍ଟ ଛାଟ ମାରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ନିରବତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଆମେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନକଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନେ ତ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିବାର ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଯିଏ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଭାଗୀୟ ଆଗ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିରବର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି, କେବେ ଜଣେ ନ ଜାଣିକି କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ଫେକ୍ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେକ୍ ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କହିବା କଥା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆକ୍ସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ ଆକ୍ସନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିକଭରି କରିବାର ବି ଅବଶ୍ୟ ଯେତିକି ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ତହବିଲରୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଯେଉଁ ପଇସା ତାକୁ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ରିକଭରି ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ତ ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆଜି 5ଟା ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଲା, କାଲି 10ଟା ସ୍କୁଲ କରାହେଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା 1000 କେତେ ସ୍କୁଲ କରାହେବ। ଏଇଟା କେବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଲାଟ ପକାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଲାଟ ପକାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ନେଚୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ଏ କଥା ଚାରିଥର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ସରକାର ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ମାଳମାଳ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିସାରିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିସାରିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି।
मलय फई संबलपुर रिपोर्टर पाक फेर चाहिए। मलय, संबलपुर आपति देखती जिते नकली शिक्षकों कथा पर्दाफाश होता एत मात्र नकली शिक्षक निजुक्ति होती शिक्षा एक व्यवसाय नुह शिक्षा केत मात्र प्रभावित होगा भविष्य पर एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि तेरे यह भविष्य एक जन आंदोलन रूप नेब कि निश्चित पक्षे सतुलना देखो संबलपुर जिला कथ कह संबलपुर जिले में पखापाखि 44 जन नकली शिक्षक जहाँ सूचना अधिकार कर्मी जन तथ्य सामने को आनी जो ये नकली शिक्षक मैंने स्कूल मानक पाठ पढ़ाने रेगुला बेसीस दरमा पाँच दीर्घ वर्ष हम ये नकली शिक्षक मैंने पाठ पढ़ी तो कौटे ना कौटू जिते बिल निजे शिक्षक मैंने जो नकली शिक्षक से मैंने ठीक से पाठ पढ़ाते उपयुक्त योग्यता नहीं नकली सर्टिफिकेट देक चाकरी करते किभली पाठ पढ़ु छात्र छात्री को ये तो वर्तमान समय बड़ प्रश्न उठी जिते बिल छात्र छात्री भविष्य कौटे ना कौटे अंधार को जब से समय कौटे ना कौटे आंदोलन मुआ हे निश्चित रूप कह कहीं दीर्घ दिन धरिक जिते बिल नकली शिक्षक पाठ पढ़ाई स्कूल मानक यहाँ कौन प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी आक्शन नौ ना जहाँ को लेकिन साधारण लोके ये कौटे ना कौटे आगे आंदोलन मुआ हो पारती कहीं बारंबार देखते नोटिस हो जिला शिक्षा विभाग को कितु जिला शिक्षा विभाग ये कौन प्रकार पदक्षेप नौ ना आप देखते जिते बिल डीओ थाना मामला रुजु हो नकली शिक्षक ना थाना मामला रुजु होखापाखि गत 22 तारीख थाना मामला रुजु होती कितु आज पर्यंत कौन प्रकार तदंत रिपोर्ट संबलपुर टाउन थाना पुलिस एडीजीएम कोर्ट को देलानी कहीं जिते बिल जहाँ डीओ को पचारूँ जहाँ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से कहते वर्तमान समय जिते बिल थाना मामला रुजु होती तो कौन प्रकार पुलिस तदंत परिसरभुक्त करनी तो जो मान विरोध में अभियोग आसी जो माने अभियुक्त से मानको खसेबा पई चेष्टा करछंती राज्य सरकार निश्चित पक्षे ये कथा कहुपे जिते बिल तदंत विलंब हो कौटे ना कौटी अभियुक्त मैंने निश्चित भाव से कौटे ना कौटे पैसा कर लुचिकी पलि कौन कहीं देखो जिते बिल तदंत विलंब कर पुलिस को जिते कह तदंत शीघ्र देवाई कि पुलिस तदंत कर पारे पुलिस तो जो शिक्षा अधिकारी तदंत पैसा को आने कथा आनी जो नकली शिक्षक को तदंत करने कथा से घटना को तदंत करनी तो कौटे ना कौटी ये घटना पर स्पष्ट जना पड़ी जे अभियुक्त मान खोलाखोली भाव छड़ा जाऊँ से तदंत पैसा को जाने घटना धीरे धीरे जिते बिल तो कौटे ना कौटे एने खसी जबार प्लां चलता जहाँ जना पड़े कि आक्शन निगले जना पड़ता जे देखो जिते बिल 44 शिक्षक संबलपुर जिले में नकली कथा कह भर संबलपुर जिले में आउ भी थपारती से जिते बिल ये 44 शिक्षक कार्यानुषान निवर्त समय आउ शिक्षक घटना आसीपारता कहुए कि जिला शिक्षा अधिकारी नोटिस होम कोर्ट पक्ष नोटिस हो थाना को नोटिस हो किंतु कोर्ट को निर्देश को मध्य कई खातिर को ना पुलिस खातिर करने ना अन्य पटे जिला शिक्षा अधिकारी मध्य कोनसी प्रकार तदंत करने सुरेंद्र बारिक अमर पश्चिम ओडिसा ब्यूरो चीफ आम सहित अच्छा सुरेंद्र जेभली भाव आप जानते जे प्रतिटि क्षेत्र में कहा जाए स्कूल एक मनीष तैयारी कारखाना ए स्कूल रे प्रतिटि स्कूल रे जोटी नकली शिक्षक अच्छा केमती मनीष गढ़ा जाई पारिबो एवं ए चित्र सामना को आसीबा परे जे नकली शिक्षक को प्रोत्साहन दिया जाउची तांकर सर्टिफिकेट जांच करार जाउ नाही कोर्ट कर जो निर्देश रही खातिर करा जाऊ ना अभियोग आसीबा परे मध्य कार्यानुष्ठान निया जाउ नाही ये भविष्य रे एक बड़ विपद सृष्टि करुची ओडिसा पई निश्चित भाव आम सूत्रा कह जेहेतु हाईकोर्ट हेल्ले गुरुतर सहित नहीं जनस्वार्थ मामला शुणी करने समय एमिकस क्वेरी हेल्ले निजुक्त करी आम संबलपुर कथा देखा मानव एसडीजेएम कोर्ट जो जेहेतु जिला शिक्षा अधिकारी जो फेक टीचर एगेन्स्ट किसी कार्यानुषान नहीं ना तो से जिला शिक्षा अधिकारी नाँ मामला रुजु होती संगीन दफार मामला रुजु होती 44 जन शिक्षक नाँ मामला रुजु होती तो जदि आम गोटे कथा कह जदि टाउन थाना मामला रुजु विभिन्न संगीन दफारे दफा लगुच्छे जदि से कार्यानुष्ठान हो तो निश्चित भाव कौटे ना कौटे राज्य सरकार ता प्रति किसी आंतरिकता ना जदि हाईकोर्ट और जिला स्तर कोर्ट गुड़िक निर्देश दौरान से प्राइमा फेसी पाँच बोले कोर्टे केस करने निर्देश देखते कितु ग्राउंड में जदि किसी कार्यानुषान नौना तो निश्चित भाव राज्य सरकार निश्चित भाव अंगुली निर्देश हो कौन साधारण लोकों प्रतिक्रिया अभिभावक कौन प्रतिक्रिया अच्छी कारण दीर्घ दिन हो जो स्कूल
पिलांको पाठ पढ़ाउचंती समाने समाने भी जानि नथिबे जे मानको भितरु किए भलो पाठ पढ़ाउचंती किए नकली किए असली एभले एक क्षेत्र रे अभिजोग आसीबा परे आशा थिला जे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो किंतु कार्यानुष्ठान बदल रे राज्य सरकार चेष्टा जारी रखिचंती दोषी केमती खसी जिवे पर्याप्त समय दिया जाउची। निश्चित भाव में कहवा यहाँ केवल यहाँ आर टी एक्टिविस्ट मैंने विभिन्न जगह जो सूचना अधिकार कर्मी मैंने अच्छा से मैंने फेक टीचर तो तथ्य संग्रह करता विधानसभा भितर मधे अनेक थर एक कथ उठू फेक टीचर कथ उठू कि शिक्षा विभाग सब कहे आम तार जांच करुँ कार्यानुषान नौ चुके कहते कि जांच सर जेहे 2016 मसीह चिठी लिखा ही सारा पाखापाखि 5 वर्ष अतिक्रांत हो सारा तो कहीं तमें शिक्षा विभाग ये अवहेला करश्चित भाव जो छात्र छात्र सत्यनारायण राव सूचना अधिकार कर्मी वर्तमान समय सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त राव नमस्कार स्वागत आपको अर्गस न्यूज को जड़े सूचना अधिकार कर्मी हिसाब से आपंकर को सूचना हस्तगत हो राज्य में नकली शिक्षक थाबो मामला को लेकिन अर्गस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जे एक गोटे संवेदनशील घटना को आउ थे लोकलोचन को आने मैडम देखो आम दीर्घ 5 वर्ष है ये फेक टीचर विषय रे बारंबार करके आम रिपीटेडली लगीचु ये इश्यूपी आम लेखा उपरे प्राय सरकार तरफ गणशिक्षा विभाग जो शिक्षा विभाग रही डायरेक्टरेट से 5 गोटी चिट्ठी आमर ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिसर पाक आसत ओडार विभिन्न जिला को मध्य जाए कि झारसुगुड़े प्राय 5टा चिट्ठी भितर 4टा आपणकर डीओ पल आ जिते बड़े चिट्ठी आसे जे फेक टीचर मानक भेरीफाई करके रिपोर्ट पठातु बोल कि तार पुषमास आसी जाए प्राय लक्ष रु 1.5 लाख टंका थरे गोटे चिट्ठी रे एमाने कलेक्शन करती एमाने किछि करिकर्मा किराणी मानक धरिकी ये फेक टीचर मैंने अच्छा लक्ष 1.5 लाख टंका दिखती प्रति थर आ प्रति थर खसी जाती एथर भी मुझे आर टी एप्लिकेसन एप्लाय कर वर्तमान जे डीओ अच्छा पुष्पा मिंज से गोटे मत चिठी लिखिकी चाकरी आ सरकार भितर ए घटनाटा से पब्लिक करना आम आपण इनफर्मेसन दे पारना मैंने से कम्प्लीटली घोड़ाणी घोड़ाऊँच राव दिन पर्यंत एमती घंट घोड़ा जाते दिन पर्यंत नकली शिक्षक को राज्य सरकार पोषुवे केतेदिन पर्यंत से मासिक दरमा पाथे शह शह कोटी टंका ये जो फेक टीचर जो कहते आपण इन तो प्रकृत टीचर नुहत राजनीतिक छत्र छाय तले रही शिक्षा व्यवस्था को कलंकित कर राज्य सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री और 5T सचिव जिते चेष्टा कले भी ये जो मूषा मैंने रही शिक्षा व्यवस्था एम शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे काटिकी कलंकित करी आम सरकारी शिक्षा व्यवस्था को तलितलांत करदे शिक्षा व्यवस्था कलंकित हेबारे ये जो अधिकारी मैंने या जो प्रश्रय दौंट ये माने संपूर्ण रूप से दायी ए मानू निहाती रूप से पूरा दंड दिया जीवा दरकार या दंड जो मिले ये बहिष्कृत हे जो टीचर मैंने फेक टीचर जो माने फेक टीचर माने तो दंड पाइबे किंतु जिए निजुक्ति रे थिले सिए कोन दंड पाइबा उचित नुह बिल्कुल जे व्यवस्था रही मैडम से दंड निहाती रूप से पाइबा दरकार जी चाकरी जोगाई से पहले प्रथम दोषी कारण से 15 दिन भीतर आपनकर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दियंतु किंतु ए चित्र सामना को आसीबा परे आंतरिकता स्पष्ट जणा पडछि राज्य सरकार पिलांक भविष्यत गढिबा पई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करबा पई आंतरिक भावरे केते चेष्टा करछंती से कथा स्पष्ट भावरे बारी होई पडछि। बहुत बहुत धन्यवाद सुजुक्त राव अधिक आलोचना करतबारु विभिन्न जगह रे हम रिपोर्टर मध्ये थिले अधिक सूचना दोथले समय होछि न्यूज रूम लाइव को एठो किबा विदाय दियंतु नमस्कार।